फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज पूरी यहाँ पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट अमेंडमेंट ऑर्डर को लेकर है, फाइनेंशियल 1920 को लेकर यहाँ पर जो है काफी बड़ा रिलीफ वाला ऑर्डर पास किया गया है। एसएससी ने इसमें क्या क्या चीजें सबमिट की थी, यहाँ पर जो है एसएससी को एक्चुअल बेसिस आईटीसी जो है अलाउड किया गया फाइनेंशियल 1920 में, ये वाला अमेंडमेंट ऑर्डर है आने वाले टाइम में काफी बड़ी रिलीफ प्रोवाइड करेगा। क्योंकि जैसे 17, 18, 18, 19 के केस में जो है आपके पास सर्कुलर नंबर 183 है, जहां पर आपको एक्चुअल आईटीसी क्लेम मिल जाता है जीएसटीआर वन के बेस पर या एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स के बेस पर, 2A के बेस पर, क्योंकि 2A वहां पर इंट्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन 19 में जो है ये 2A इंट्रोड्यूस हो गया था और यहाँ पर जो है आपको इसमें यहाँ पर रिलैक्सेशन केवल और केवल जजमेंट ऑर्डर के थ्रू मिलने वाली है। क्योंकि जो इसका सर्कुलर आया हुआ है 19, 20, 20, 21 के लिए, तो ये वाला जो सर्कुलर है 193, देखिए मैंने आपको अलग अलग बताया 17, 18 के लिए, 18, 19 के लिए था 193 और यहाँ पर 19, 20, 21, 21, 22 के लिए जो है 193 है। इनके लिए डिटेल वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की भी है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन ये वाला जो जजमेंट ऑर्डर है ये आने वाले टाइम में काफी बड़ी रिलीफ प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट में एसएससी ने एक्चुअल बेस आईटीसी क्लेम करने के लिए फाइट की है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या फैक्ट्स थे, किस तरीके से यहाँ पर ये फेवरेबल जजमेंट आया है, इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसी टाइप के काफी सारे जजमेंट वीडियो जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वीडियो देख सकते हैं। हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई, सेक्शन 16, सेक्शन 4 और सेक्शन 2, सप्लायर डिफॉल्ट, सप्लायर बैकडेट जीएसटी कैंसिलेशन, या फिर उसके अलावा जो है सप्लाई नॉन एग्जिस्टेंट, या GSTR 3B 2A मिसमैच, 3B GSTR 1 मिसमैच, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा अपील के भी सारे फॉर्मेट्स यहाँ पर अवेलेबल है, आप खुद से ड्राफ्ट कर सकते हैं अपील में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या अटैचमेंट्स लगेगी, सबके लिए यहाँ पर जो है फॉर्मेट्स दिए गए हैं और वीडियोज भी उनको बताया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किए गए हैं, उनको वहां पर खुद से डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इस वाले जजमेंट ऑर्डर में क्या यूनिक है, किस तरीके से आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगा, के लिए वीडियो को पॉइंट तक देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर 1920 के लिए ये यहाँ पर इन्होंने रिक्वेस्ट फाइल किया है कि सर यहाँ पर जो इम्पंच ऑर्डर पास किया गया है उसको यहाँ पर क्वेश कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन्होंने फाइनेंशियल 1920 के लिए ये रिट पिटीशन फाइल की। एक चीज आप और नोट कर लीजिएगा यहाँ पर कि एसएससी जो है यहाँ पर अपील में भी जा सकते थे, लेकिन अपील में क्या है कि वहां पर भी आपको 10% डिपॉजिट करना होता है पहले, तो इन्होंने एसएससी ने यहाँ पर जो है डायरेक्ट रिट पिटीशन फाइल कर दी। अपील में जो है टाइम लिमिट भी होती है, उसमें जो है आपके फेवर में अपील में रिजल्ट आने के चांस काफी कम होते हैं, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स या जो चीजें आपने अपने प्रॉपर ऑफिसर के यहाँ सबमिट कराए और उन्होंने उस फैक्ट को कंसिडर नहीं किया, केवल वही चीजें वहां पर अपील में एक्सेप्ट होती है, कोई भी नए डॉक्यूमेंट्स वहां पर आप सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो अपील के केस में जो है रिलैक्सेशन मिलने के चांस काफी कम होते हैं, लेकिन रिट पिटीशन में एक्चुअल बेसिस ऑनरेबल कोर्ट ने एसएससी की जेन्युइन हार्डशिप को कंसीडर किया है और यहां पर उनको अलाउ किया है कि ठीक है केस को रेमिट बैक कर रहे हैं प्रॉपर ऑफिसर, इस पॉइंट को लेकर प्रॉपरली इनको वेरीफाई करेंगे, स्पीकिंग ऑर्डर पास करेंगे। तो यहाँ पर जो है इस ऑर्डर को यहाँ पर चैलेंज किया गया है प्रिंसिपल ब्रीच ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, इनकी जो है ब्रीचिंग हुई है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का यहाँ पर ब्रीच हुआ है। द पिटीशनर एसर्ट दैट ही वॉज अनअवेयर ऑफ द प्रोसीडिंग कमिटिंग इन द इम्पंच ऑर्डर बिकॉज द इंटीमेशन सो वॉज नोटिस एंड इम्पंच ऑर्डर वर अपलोडेड ऑन द व्यू एडिशनल नोटिस टैब ऑन जीएसटी पोर्टल एंड नॉट कम्युनिकेट टू द पिटीशनर थ्रू एनी अदर मोड। तो ये आप नोट कर लीजिए, अब एसएससी जो है ये वाले पॉइंट के बेस पर बेनिफिट ले रहे हैं, आप भी इसके बेस पर बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि ये सबके लिए कॉमन पोर्टल जीएसटी पोर्टल एक ही है, वो किसी भी स्टेट में हो, किसी भी यूटी में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, और अदर ऑनरेबल कोर्ट्स ने अलग अलग वहां पर जो है जब एसएससी ने सबमिशन दिया है तो इसको एक्सेप्ट किया है इस बेस पर कि एसएससी को तो पता ही नहीं था इस बारे में, उसको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है, अगर वो अपॉर्चुनिटी दी जाती तो वो यहाँ पर डिमांड के अगेंस्ट में कॉन्टेस्ट कर सकते थे, इसी बेस पर अलाउ किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जो पेडिसन से लर्न काउंसिल है उन्होंने पॉइंट किया कि सोगोज नोटिस जो है उसमें जो है कोई भी डिटेल्स कंटेन नहीं थी, सोगोज नोटिस विद रिगार्ड टू द पर्टिकुलर ऑफ टैक्स प्रपोजल, उन्होंने ये भी प्रूव किया जिस बारे में इनका टैक्स प्रपोजल कंफर्म किया गया है उसके लिए रिगार्डिंग सोगोज नोटिस में डिटेल अवेलेबल नहीं थी। सी ऑल्सो पॉइंट आउट दैट द पर्सेंट टू द इम्पंच ऑर्डर पेडिसन हैड पेड सम ऑफ 90,000 टुवर्ड द टैक्स लायबिलिटी, उन्होंने कहा कि जो टैक्स की इनकी डिमांड है उसका 10% से ज्यादा 90,000 जो है वो ये पे कर चुके हैं, पे क्या कर चुके हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसमें से इनका डेबिट कर लिया गया, क्योंकि 10% से ज्यादा बैठता है डिस्प्यूटेड टैक्स डिमांड से 10% से ज्यादा। तो यहाँ पर इनकी जो डिमांड होगी हो सकता है 7 लाख की हो, 8 लाख की हो, क्योंकि अगर 9 लाख की होती तो 9 लाख का 10% 90,000 है, वो तो कह रहे हैं कि ये तो 90,000 जो है तो 10% से भी ज्यादा है। तो देखिए एसएससी जो है इतनी मिनिमम फिगर के लिए भी यहाँ पर जो है फाइट कर रहे हैं, तो आप भी इसके रिगार्डिंग जो भी रेमेडीज अवेलेबल है आपको टाइम रहते अवेल करनी है। आप अपील में जाना चाहते हैं तो अपील में जाइए, रेक्टिफिकेशन कराना चाहते हैं रेक्टिफिकेशन में जाइए, या रिट पिटीशन फाइल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। GSTR 3B 2A मिसमैच का यहाँ पर ये चीजें हैं और यहाँ पर इनको एक्चुअल बेसिस में क्लेम करने के लिए यहाँ पर एक्चुअली फाइट कर रहे हैं। इफ प्रोवाइडेड अनदर अपॉर्चुनिटी लर्न काउंसिल सबमिट दैट द पिटीशनर वुड बी इन पोजीशन टू एक्सप्लेन द मिसमैच,
कि अगर यहाँ पर जो है एसएससी को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो यहाँ पर वो जो है इसके रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन सबमिट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल ने नोटिस एक्सेप्ट किया, उन्होंने यहाँ पर सबमिट किया, ही डज नॉट हैव इंस्ट्रक्शन विद रिगार्ड टू द पेमेंट ऑफ 90,000 बाय द पेटिशनर आफ्टर द इंपंज ऑर्डर वर सूट। ये चीज इन्होंने कहा है कि जो ये 90,000 वाले पॉइंट है इसके रिगार्डिंग जो है कोई भी पेटिशनर ने जैसे इंपंज ऑर्डर पास हुआ उसके बाद ऐसा कोई सबमिशन वहां पर प्रोवाइड नहीं किया। ऑन परूजल ऑफ द इंपंज ऑर्डर इट इज एविडेंट दैट द टैक्स प्रपोजल वाज कंफर्म्ड बिकॉज द पेटिशनर डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू द सोगोज नोटिस। तो ये चीजें तो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर निकल के आ रही है कि पेटिशनर ने जो है जब रेस्पॉन्ड ही नहीं किया तो इनको पर्सनल हियरिंग कैसे मिली है, वो तो मिली नहीं होगी। पेटिशनर हैड प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड प्रूफ ऑफ पेटिशनर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वाज डेबिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 19,000 के लिए इन्होंने जो है यहाँ पर कि 90,000 रुपीज जो है इनके डेबिट कर रखे हैं उसके लिए इन्होंने प्रूफ भी सबमिट कर दिया। सिंस लर्न एडिसर गवर्नमेंट लीडर डज नॉट हैव इंस्ट्रक्शन इन दिस रिगार्ड द रेस्पोंडेंट मे वेरीफाई वेदर सच पेमेंट और टुवर्ड द टैक्स लायबिलिटी अंडर इंपंज ऑर्डर। ये डायरेक्शन दी गई है कि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो लर्न काउंसिल है गवर्नमेंट लीडर है उनके पास इस चीज की जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर जो है 90,000 रिकवर हो चुके हैं। सब्जेक्ट टू सच वेरिफिकेशन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस वारंट्स एंड अपॉर्चुनिटी बी प्रोवाइडेड बाय द पेटिशनर। ये बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि यहाँ पर जो है एसएससी को अपॉर्चुनिटी मिलना जरूरी है, इसी रीजन की वजह से रिट पिटिशन अलाउ की गई और यहाँ पर डायरेक्शन दी गई है कि जो ऑर्डर है उसको यहाँ पर सोकोज नोटिस की तरह से ट्रीट किया जाएगा। देखिए हर केस में क्या होता था कि यहाँ पर जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया जाता था, लेकिन इन्होंने कहा है कि इस बार कि ये डायरेक्शन हो गई है कि जो इंपंज ऑर्डर पास हुआ है उसी को सोकोज नोटिस मानिए। आप पेटिशनर को परमिट कर दिया कि आप इसके रिप्लाई को सबमिट कर सकते हैं, टाइम लिमिट दे दी उनको 2 वीक्स की, जिस दिन ये ऑर्डर पास हुआ जिस दिन ये डिमांड जिस दिन ये जजमेंट ऑर्डर आया है उसका उसके बाद 2 वीक्स का इनको टाइम दे दिया गया। जब एसएससी का रिप्लाई रिसीव हो जाए और ये 90,000 की इनके 90,000 यहाँ पर डिपार्टमेंट को मिल जाए कि ये रेमिटेंस हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर 90,000 इन्होंने कहा है अब इनको 90,000 यहाँ पर पे करने पड़ेंगे अगर ये डेबिट नहीं हुए होंगे। रेस्पोंडेंट इज डायरेक्ट रेस्पोंडेंट को डायरेक्शन दी गई है, यानी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी जा रही है जीएसटी डिपार्टमेंट को कि वो इनको जो है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे इंक्लूडिंग ए पर्सनल हियरिंग। पर्सनल हियरिंग इनको दी जाएगी एंड देयर आफ्टर इशू ए फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का यहाँ पर टाइम दिया जिस दिन पेटिशनर रिप्लाई सबमिट किया है। इट इन केस इट इज फाउंड दैट द रेमिटेंस मेड बाय द पेटिशनर इज नॉट टुवर्ड द टैक्स डिमांड अंडर द इंपंज ऑर्डर। अगर ये क्लियर हो जाता है कि जो ये पैसे डेबिट हुए हैं ये इंपंज ऑर्डर के डिमांड के रजिस्टर में नहीं है तो यहाँ पर डिपार्टमेंट को फिर से कह दिया कि आप इनसे जो है 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स डिमांड यहाँ पर ले लीजिएगा और यहाँ पर जो ये जजमेंट ऑर्डर है ये वैलिड रहेगा। ये इसका यूनिक पॉइंट है, यहाँ पर ये नहीं होगा कि जी ये 90,000 रुपए इनके आए नहीं है तो आप इनसे 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स डिमांड जो है वो ले सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर रिट पिटिशन यहाँ पर अलाउ की गई है और जो भी मिसलेनियस यहाँ पर पिटिशन थी उनको भी अलाउ किया है। 1920 के लिए काफी बड़ा रिलीफ वाला ये ऑर्डर आया है। इस वीडियो को आपको शेयर भी करना है और इसी टाइप के जो जजमेंट वीडियोज हैं वो भी देखने हैं। 1920 के लिए यहाँ पर जो है काफी प्रॉब्लम आने वाली है। 1920 के लिए काफी सारे ऑर्डर्स भी इशू कर दिए गए हैं, आप ध्यान रखें। 73 में आया, 74 में कोई भी डिपार्टमेंट की तरह से कम्युनिकेशन हो तो उसका जो है आपको रिप्लाई जरूर करना है। हो सकता है रिप्लाई करके ही आपके फेवर में रिजल्ट आ जाए, क्योंकि यहाँ पर भी आपके एक तरीके से एडिशनल कॉस्ट है, 10% जमा करना पड़ रहा है, उसके अलावा रिट पिटिशन फाइल करने के चार्जेस भी सब कुछ आपको पे करना होगा। तो उसके रिगार्डिंग अगर आप रिप्लाई को प्रॉपरली सबमिट कर देते हैं तो आप ये एक्स्ट्रा चार्जेस सेव हो सकते हैं। चैनल का जो पर्पज है फुली एजुकेशनल है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।